नमस्कार, इजी रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे उबली हुई हरी मिर्च का खट्टा मीठा ठेसा। सबसे पहले हम इसकी सामग्री देखेंगे। हरी मिर्च जो कि तेज वाली हरी मिर्च ली है मैंने, लहसुन, जीरा, शक्कर, नींबू और नमक। सबसे पहले हम इनको उबालने के लिए डालेंगे कुकर में। एक से दो कप तक हमने इसमें उबलने के लिए पानी डाला है। अब हम इसमें हरी मिर्च, लहसुन, जीरा, और नमक डालकर दो सीटी होने तक के उबलने देंगे। क्या पूरी तरह से मिर्ची उबल चुकी है और इसको पानी में से निकाल कर हमने मिक्सर में डाल लिया है। अब इसको मिक्सी में हम पीसेंगे। इसमें थोड़ा सा और नमक डालेंगे। यह मिर्ची हमने पीस ली है। अब हम इसमें नींबू का रस और शक्कर डाल के एक बार फिर से मिक्सी में घुमा लेंगे। यह पीस के तैयार हो चुका है। अब हम इन्हें सर्व करने के लिए बाउल में निकालेंगे। खट्टा मीठा तीखा ठेसा तैयार है। इस तरह से यह उबली हुई हरी मिर्च और लहसुन का यह ठेसा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। जिसको तीखा मीठा टेस्ट पसंद आता है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। यदि आपको यह रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।